नई परियोजना से जुड़ने वाले हैं बिहार के 8 जिले। औरंगाबाद से दरभंगा का सफर होगा बेहद आसान। नमस्कार, मैं हूं नेहा, स्वागत है आज के इस वीडियो में। अब औरंगाबाद से दरभंगा जाना बेहद आसान होगा क्योंकि औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होने वाला है। ये परियोजना जल्द ही अपना रफ्तार पकड़ लेगी। बिहार में अभी तक जितने भी एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं वे सब अन्य राज्यों से गुजरते हैं। ये ऐसी पहली परियोजना है जो कि बिहार के 8 जिलों को जोड़ेगी। ये एक्सप्रेसवे लंबाई में 189 किलोमीटर है। बता दें कि औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा बनाया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत राज्य के 8 जिले जुड़ जाएंगे। ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के आमस से शुरू होते हुए पटना, नालंदा, अरवल, जहानाबाद, वैशाली और समस्तीपुर होते हुए दरभंगा तक जाएगा। आपको बता दें कि इस परियोजना से उत्तर तथा दक्षिण बिहार के लोगों को लाभ होगा और आवागमन में आसानी हो जाएगी। इससे तकरीबन 4 घंटे तक की दूरी जो है कम हो जाएगी। इसके साथ ही जमीन अधिग्रहण का काम जो है पूरा हो चुका है। पटना जिले के धनरुआ और फतुहा से होकर औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे गुजरेगा। धनरुआ और फतुहा दोनों अंचलों में जिला प्रशासन द्वारा जमीन अधिग्रहण का काम करीब करीब पूरा किया जा चुका है। इस नए परियोजना के तहत पटना जिले में 12 मौजों में 205.25 एकड़ जमीन का अर्जन किया जा चुका है। जमीन अधिग्रहण के बदले मुआवजा भुगतान के लिए 123.24 करोड़ रुपए का आवंटन निश्चित किया गया है। फिलहाल भूधारकों के दरमियान कुछ रुपयों का भुगतान किया जा चुका है। अभी तक उन्हें 66.56 करोड़ की राशि दी जा चुकी है। औरंगाबाद दरभंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत पटना जिले के अंचल धनरुआ में 8 मौजों तथा फतुहा में 4 मौजों में भू अर्जन के लिए कार्रवाई की जा चुकी है। अब तक धनरुआ अंचल में 65% तक मुआवजे का भुगतान हो चुका है। मुआवजे के भुगतान के लिए 140 आवेदनों की प्राप्ति हुई थी जिसमें एकाध राजस्व कागजात की कमी बताई गई थी। इस कारण से मुआवजा भुगतान में रुकावट आ रही है। जितने भी भूमिधारक हैं उन सभी को जमीन से संबंधित कागजातों को जमा करने के लिए कहा गया है। इस संदर्भ में जमीन के धारकों से जमीन की कागजात मांगी गई है। जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने धनरुआ के अंचल अधिकारी को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द पुनः भूमिधारियों से राजस्व साक्ष्य की मांग की जाए। इससे अटके हुए मसलों का निवारण जल्दी किया जा सकेगा।